नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। क्या पढ़ना है आज? ये जो क्लास होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है? इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। क्या बोला है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना, ठीक है? यानी समीकरण को क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक। और यहाँ पर क्या दिया है, इसे कुछ नियम है जो कि आपको याद रखना ही रखना है। अगर इस नियम को आप याद नहीं रखते हैं तो आप भूल जाइए, कभी आप बैलेंस कर पाएंगे। अब बस इतनी बातें आप याद रखते हैं तो इस समीकरणों को करना बहुत आसान है, बहुत आसान। ज़्यादा कोई टफ वाली चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे, ये समीकरण हो जाएगा। पहले तो अपने मन से ये निकाल दीजिए कि कोई चीज़ें केमिस्ट्री टफ है, पूरी तरह से आसान है। जिन बच्चों को अभी लगा है, यहाँ पर आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने माइंड से पहले निकाल दें कि टफ है। अगर आपको लगता है कि टफ है तो हमारी क्लास छोड़कर पहले चले जाइए, ठीक। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे बातों से कुछ असर होता है, कि हाँ आसान होगा, तो होगा ही होगा, कोई ज़्यादा टफ वाली चीज़ें नहीं है। एक बार ना समझ में उसे दो बार देखिए, दो बार ना समझ में तीन बार देखिए, लेकिन आएगा तो जरूर, ठीक, तो समझिएगा। पहला इसका नियम क्या कहता है कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलिए। पहले आणविक समीकरण रहेगा तो उसे हम आयनिक समीकरण में बदल लेंगे। दूसरा, ऑक्सीकरण अपचयन अर्धविक्रिया को अलग करिए। इसमें जो ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उसको हम लोग को अर्धविक्रिया कर लेना है, ठीक। और क्या है कि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर जो अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है, उसको छोड़कर से सभी को संतुलित कर लेना है, ठीक। और चौथा पॉइंट क्या बोला है कि ऑक्सीजन को हम H2O से बैलेंस करते हैं। जो ऑक्सीजन रहेगा उसे हम जल रख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। और हाइड्रोजन को H+ आयन से संतुलित करते हैं। इस बातों को आप विशेष ध्यान रखेंगे तो सब चौपट हो जाएगा। इधर देखिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर करके अभिक्रिया को हमको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। बोला है ना, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर करना है और अभिक्रिया को जोड़ लेना है। क्षारी माध्यम के लिए H+ के लिए बराबर क्या रखना पड़ेगा हमको, OH जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। तो इधर ध्यान दीजिए, तो ये तो कुछ नियम है जो कि आपको याद रखने ही रखने। पहला नियम क्या बोला है कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण बदलिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस आयन के रूप में दिया है, यानी पहले ही से हमारा समीकरण किस में दे दिया है, आयनिक समीकरण में दे दिया है। ये थोड़ा खास ही आ रहा है, तो कभी ध्यान रखिएगा, इसमें अधिकतर आयनिक समीकरण में ही दिया रहता है। इसमें जो समीकरण दिया रहेगा अधिकतर आयन में ही, आयनिक समीकरण के रूप में ही दिया रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, दूसरा क्या बोला, ऑक्सीकरण अपचयन अर्धविक्रिया को अलग करना। देखिए उसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखिए MnO4 किस में चेंज हो रहा है, M डबल पॉजिटिव में, तो इसको अलग कर लेंगे। तो इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, MnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn डबल पॉजिटिव में हो गया। और हाइड्रोजन और इसको तो छोड़ दीजिए, इन सबका कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखिए यह जो दिख रहा है यह किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे C2O4 डबल नेगेटिव। और किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, यह अर्धविक्रिया हो गई। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्धविक्रिया को अलग करना, तो देखिए हमने अलग कर लिया है। अब हमको क्या करना है कि इसमें देखिए, अब बोला है कि हाइड्रोजन को, यानी कि यहाँ पर बोला है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित कर लेना है। तो हम शेष तत्वों को संतुलित करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर Mn कितना है, एक है, यहाँ पर Mn एक है, ऑलमोस्ट ये तो बैलेंस है। तो पहले इस वाले को करते हैं, फिर इस वाले को करेंगे। तो इसमें देखिए Mn क्या किया है, Mn तो एक ही है, तो एक ही है दोनों तरफ। आयन को भी देखना नहीं हमको, आयन को भूल जाए कि कुछ देखना है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं। तो अब ऑक्सीजन को हम लोग H2O से संतुलित करेंगे, इधर रख देंगे H2O, कितना H2O हो है, वो कितना है, चार, तो यहां पर लगा देंगे चार। देखिए बैलेंस हो गया कि नहीं, लेकिन हाइड्रोजन इधर हो गया ना, हाइड्रोजन कितना है, चार दुना के आठ। तो हाइड्रोजन को किस से, H+ से संतुलित करते हैं, तो इधर हम लिखेंगे 8H+, हो गया कि नहीं हो गया, इतना हो गया। अब इसको भी हम वही क्रिया करेंगे,
तो इसको चलो पहले अभी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। देखिए दोनों में इलेक्ट्रॉन को बराबर करके जोड़ लेते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन को बराबर कर लेते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर माइनस है ना, देखिए माइनस छूटा हुआ है यहाँ का, यहाँ पर माइनस रखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, एच प्लस कितना है, आठ है, यानी एच प्लस टोटल कितने हैं, आठ है। यहाँ पर कितना है प्लस, दो है, यानी कि इधर कितने भी बच रहे, छः। एक माइनस निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, पांच, यानी कि पांच हम लोग इलेक्ट्रॉन इधर रख लेंगे। दिख रहा है ना, थोड़ा देख पूछ लेते हैं यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा हम देखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस फार्मूले को इधर लिख देते हैं कि हो जाए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर MnO4 नेगेटिव है और H प्लस हमारा है ना, एट एच पॉजिटिव है, और यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दो, यहाँ से दो खत्म, यहाँ पर माइनस एक खत्म, कितने बच रहे हैं, पाँच। यदि पाँच इलेक्ट्रॉन इधर हम रख लें, देखिए माइनस पाँच में आया ना, तो पाँच एक इधर एक माइनस इधर, कितने हो गए, छः। तो छः इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचा, दो प्लस बचा, देखिए दो प्लस यहाँ पर भी है, यानी दो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरे वाले में समझते हैं, नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखिएगा। यहाँ पर देखिए अब शुरुआत में वही नियम लगाएंगे, पहले हम लोग कार्बन को, ऑक्सीजन को तो छोड़ ही देना है, कार्बन कितना है, दो है, तो यहाँ कितना है कार्बन, एक है। तो एक काम करेंगे, कार्बन के आगे दो लगा देंगे तो क्या है, बैलेंस हो जाएगा। बोलिए कार्बन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, चार है, तो देखिए दो दुना के चार हमारा बैलेंस है, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हम इधर प्लस करके दो इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, सॉरी इधर नहीं रखेंगे, उधर ही रखेंगे दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट बैलेंस करना था। देखिए इधर माइनस के दो हैं, तो क्या इधर माइनस के दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इधर पाँच इलेक्ट्रॉन है, इधर दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों तरफ दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यानी यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, देखिए इसमें क्या हम दो से गुणा कर दें तो पाँच दुना के दस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, समीकरण टोटल समीकरण में गुणा करते हैं, पहली बात ध्यान रखिएगा, और इसमें कितने से पाँच से गुणा कर दें तो क्या पाँच दुना के दस हो जाएगा, दस हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी दस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इन दोनों को हम काट कर पहले हटा लेंगे। अब इस समीकरण को हम जोड़ेंगे, तो समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर समझिए, यहाँ पर आठ है तो आठ दुना के इसका गुणा कर देंगे तो सोलह H पॉजिटिव प्लस Mn कितना है, पहले तो इसको रखते हैं, देखिए फार्मूले में क्या रखा है, पहले इसको रखा है, फिर इसको, तो पहले इसको हम थोड़ा छोड़ते हैं, इसको रख लेते हैं। Mn कितना है, इसका गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव, उसके बाद से क्या है, इसका गुणा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस फाइव, ये दो है तो दो आगे लगा लेंगे, फाइव C2O4, ये पांच कहाँ से है, समझ में आ रहा है कि यह वाला पांच यहाँ पर आया, उसके बाद से प्लस वो वाला क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, आठ गुना के सोलह, यानी दो है, दो का गुणा आठ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोलह, सोलह एच पॉजिटिव, यह हो गया मार्क ऑफ रिएक्शन। अब इस समीकरण को जोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2mn डबल पॉजिटिव, उसके बाद से इधर क्या है, CO2 है, पांच गुना के 10, 10 CO2, यह हो गया, उसके बाद चार गुना के 8, यानी क्या हो जाएगा, 8 H2O, यह हमारा समीकरण हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ ये क्लियर हुआ, तो क्लियर हुआ तो एक काम करिए, इसको आप लोग थोड़ा नोट करिए, इसके बाद एक रिएक्शन हम लोग और देखते हैं, ठीक है। एक बार देख ली, मिला लीजिए कि बैलेंस है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर 2m की वैल्यू है तो 2m की वैल्यू इधर भी है, ठीक, Mn की, और ऑक्सीजन की वैल्यू इधर कितने है, चार गुना के 8 और पंचों को 20, यानी 20 है ना, 20 यहाँ पर है और चार गुना के 8, यानी टोटल 28 है, 10 गुना के 20, ऑक्सीजन यहाँ 8 हो रहा है, बैलेंस है। और यहाँ पर क्या है हमारा,
हाइड्रोजन देखिए 8 दुना के 16, और यहाँ पर 8 दुना के 16, क्या बैलेंस है कि नहीं है? तो इस प्रकार रिएक्शन कितना कम इजी है, तो इस प्रकार आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं, तो चलिए उसको हम समझते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर पी दिया हुआ है, यहाँ पर ओ एच है, ठीक है, और यहाँ पर पी एच थ्री दिया है, यहाँ पर एच टू पी ओ टू निगेटिव दिया है। तो एक काम करेंगे, इस रिएक्शन को भी अर्धविक्रिया करेंगे। पहले तो ये आयनिक समीकरण दिया हुआ है, पहला काम तो ये खुद कर दे दिया है यह वाला, ठीक। दूसरा काम हमको क्या करना है, दूसरा काम का ऑक्सीकरण अपचयन और अभिक्रिया को अलग अलग करना। यहाँ पर देखिए पी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें, और देखिए OH को तो हम लेंगे ही नहीं, दोनों समीकरण एक ही में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर पी किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो पी कन्वर्ट हो रहा है पी एच थ्री में, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पी कन्वर्ट हो रहा है, पी तो कन्वर्ट हो रहा है एच टू पी ओ टू निगेटिव में, इसमें कन्वर्ट हुआ। अब हमारा नियम क्या कहता है, नियम यह कहता है कि हमने अर्ध अभिक्रिया तो कर लिया, दो काम तो कर लिए, तीसरा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित, तो इसमें हाइड्रोजन को हम छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। इसके बाद यहाँ पी है, पी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं, तो हम अभी सिखाएं कि हाइड्रोजन को एच पॉजिटिव से बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर कितना है, 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस 3 H पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर एच पॉजिटिव आ गया, तो इसको हम किससे बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन से। एच पॉजिटिव को किससे बैलेंस करते हैं, ठीक है, सॉरी एच पॉजिटिव आ गया, तो इसको दोनों में इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं। यहाँ पर देखिए एच पॉजिटिव 3 है, इधर पॉजिटिव कोई है ही नहीं है, एक काम करेंगे इसको हम बैलेंस कर लेंगे, इधर 3 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे तो क्या बैलेंस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन ऋणायन, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, काम हो जाएगा। अब यहाँ पर फास्फोरस है, फास्फोरस इधर कितना है, 1 है। उसके बाद बोला है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर शेष तत्वों को बैलेंस करते हैं, तो हमने इसको बैलेंस किया। उसके बाद यहाँ पर बोला है ऑक्सीजन को H2O से, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इधर हम क्या रखेंगे, 2H2O। देखिए ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो एक काम करेंगे हाइड्रोजन को हम किससे बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 H पॉजिटिव रख देंगे तो क्या बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 दुनी के 4 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन को हम H पॉजिटिव से बैलेंस करते हैं, यानी कि क्या कर, 2 हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पर 1 माइनस है, इस पर 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो एक काम करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह भी माइनस, यह माइनस, 2 माइनस, यहाँ पर 2 प्लस है, क्लियर हुआ। देखिए जो सामने होता है ना उसका होता है, यहाँ पर इसे नीचे लिखा रहेगा ना, तो उसका गुणा कभी भी गुणा उसमें नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो गया, तब इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ बराबर करेंगे। तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देंगे, तो इसमें देखिए इसमें 1 से गुणा, इसमें 1 से गुणा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलाइए, हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 का गुणा करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब इसको हम काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि इसका तुमको कोई काम ही नहीं रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे। यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर क्या दिया है, पी कितना है, 2P है प्लस, उसके बाद से यहाँ पर जल कितना है, सॉरी 2P नहीं है, क्योंकि यहाँ का 3 गुणा इसमें होगा ना, तो 3 एकम 3 और 3 एक 4, यानी कितना, 4P। उसके बाद यहाँ पर देखिए जल को ले लेते हैं, तो जल इधर कितना है, 3 दुना के 6, कितना हो जाएगा, 6H2O प्लस हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का गुणा 1 3 में करेंगे तो 3H पॉजिटिव, मार्क ऑफ रिएक्शन। अब इसमें करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर pH3 कितना है, 3 1 ही है ना, तो pH3 यह हो गया। यहाँ पर P कितना है, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3H2PO2 निगेटिव। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो 3 दुना के 6H पॉजिटिव, यह हो गया हमारा बैलेंस। अब देखिए
यहाँ से आप बैलेंस करना चाहेंगे तो काउंट करेंगे तो 3 दुना के 6 हो जाएगा हमारा, 6 दुनी 12 3 15, ठीक है, 3 दुना के 6 6 12 3 15 हाइड्रोजन बैलेंस है, फास्फोरस 2 यहाँ पर 4 है तो 1 फास्फोरस, यहाँ पे 1, यहाँ पर 3 फास्फोरस, इसका इसमें गुणा होगा 3 × 4 हाफ फास्फोरस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर रिएक्शन में OH बोला है तो यहाँ पर नियम के लास्ट में लिखे हैं कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर करके जोड़ लेते हैं, यदि क्षारीय माध्यम के लिए दोनों और क्या H के बराबर OH जोड़ते हैं तो इधर भी H पॉजिटिव है, इधर भी H पॉजिटिव, यहाँ से 3 इसको काट देंगे तो यहाँ 3H पॉजिटिव बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4PH6H2+, ये तो खत्म हो गया ना, उसके बाद PH3+3H2PO2- और +3H। अब बोला है क्या कि दोनों तरफ OH जोड़ते हैं, एक तरफ है तो काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना 3H, कितना 3H है ना, यहाँ पर 3OH रखेंगे, यहाँ पर OH की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, अब यहाँ पर दोनों तरफ रखेंगे 3OH यह कर देंगे तो अब देखिए यहाँ से जोड़ेंगे 4PH6H2O और प्लस क्या हो जाएगा 3OH, यह हो गया, यह नेगेटिव रखेंगे, ठीक। मार्क ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारा इधर 3OH जुड़ गया, अब देखिए यहाँ पर 3H पॉजिटिव है, यहाँ 3OH पॉजिटिव है, 3 जुड़ेगा तो 3 जल का निर्माण करेगा, यहाँ पर बन जाएगा PH3+3H2PO2+, यहाँ पर 3H2O बनेगा, देखिए यहाँ पर 3OH में 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे 3OH में तो जल के अणु बन जाएंगे, यह हमारा बन गया जल के अणु। अब देखिए यहाँ पर जल के अणु कितने 6 है ना, तो 3 यहाँ से 3 कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4P+3H2O+3OH नेगेटिव, मार्क ऑफ रिएक्शन PH3+3H2PO2 नेगेटिव। अब देखिए यह हमारा जो फाइनली रिजल्ट निकल कर आया है, अब देखिए यह रिएक्शन किस माध्यम में हो रहा है, अम्लीय क्षारीय माध्यम में, देखिए यहाँ पर आया है ना PH4, अब रिएक्शन भी हमारा बैलेंस है, काउंट करेंगे तो आपको बैलेंस ही देखने को मिलेगा। तो ये अभी रिएक्शन आपको दोनों टाइप के रिएक्शन हम बता दिए, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा हमको कमेंट करिएगा, ठीक, और भी इस पे बहुत सारे एग्जांपल हम क्लियर करा देंगे, आपके एनसीईआरटी बुक के जितने भी इस पे एग्जांपल है आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या तो हम कमेंट में आप उसको शेयर करिए या तो हमको बोल दीजिए, ठीक है, कमेंट में हमको बोल दीजिए, हम उसका एक नया वीडियो बना देंगे, अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखिए जरूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कहाँ से किस प्रकार हो रहा है। इसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो उसको आप थोड़ा एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉन को रखना है। तो उम्मीद होगा कि आपको यह मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बातें समझ में आ गई होंगी तो आप एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेट मिलता है कि चलो हमको कोई या कमेंट करता है तो मालूम चलता है कि कोई हमको मोटिवेट कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि वीडियो हमको उत्सुकता होती है वीडियो बनाने की, ठीक है, तो उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया है, आ गया हो तो आप वीडियो कमेंट कर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, चलिए।